यार टीवी कमेंट्री तो थे तू ये सामना सुरू होत आहेत. महेंद्र स्पर संघाकडून सलामीची जोडी मैदानामध्ये सच्च गेसुद्दीन तसेच सुजित ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये सज्ज झालेली आहे. बीएनए संघ नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रथम शत्रक्षक स्वीकारत आहे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले ते महेंद्र स्पोर्ट संघाला आणि महेंद्र स्पोर्ट संघाची सलामी जोडी गेसुद्दीन आणि सुजित नाईक आपण पाहत आहोत खेळपट्टीवर सज्ज झाले आहेत. संघटन पहिलं आणि सांघिक पहिली षटक घेऊन येतो गोलंदाज. उजेर येतोय स्ट्राईकला जेसुद्दीन नॉन स्ट्राईकला येतो सुजित. गोलंदाज आशा पाटील त्यांच्या टोकाकडनं गोलंदाजीचा धुरा सांभाळतोय. सामना चार षटकांचा आहे. कुठला संघ फायनलमध्ये प्रवेश करतोय बघायचंय. विहान नीत कुमार संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. सामना सुरुवात होते दुसऱ्या सेमीफायनलचा पहिला चेंडू सामोरे जात होतो गेसुद्दीन. सूर्यकासा चेंडू मात्र चेंडू कव्हर करतो मात्र तिथे एक धाव निश्चित पूर्ण होतं. मिडवर कडे आले चेंडू होता मात्र निश्चितच एक धाव पूर्ण करते संघाचं आणि स्वतःचं खातं खोलते गेसुद्दीन. बढिया गेंद थी ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद गई थी कवर के क्षेत्र में. बढ़िया फील्डिंग एक रन से स्कोर खाता खुलता हुआ महेंद्र स्पोर्ट टीम का. गेसुद्दीन अपना खाता खोलते हुए अच्छी शुरुआत में कहूंगा शशिकांत के ने निश्चित एक धाव ने शुरुआत संघाजी खात खोल स्वतः खात खोल गेसुद्दीन ने पुनः स्ट्राइक लो सुजित. जर विचार केला तर एस्ट्रिक्शन मध्ये जर विचार केला तर अतिशय चतुर असा एस्ट्रिक्शन म्हटलं तर सुजित गोलंदाज निश्चितच थोडी दुखापत होते. गोलंदाज हुजर याला सामोरे जाते पुन्हा सुजित नाईक. हुजर ने ते इस टूर्नामेंट ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है. अब यहां से बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा रनों पे रोकने की कोशिश करनी होगी. सूर्यकासा डोले चेंडू मात्र लॉन्ग ऑफच्या दिशेने जाते चेंडू मात्र झेल घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र निश्चित झेल सुटते. मात्र एक धाव आणि दुसरी धाव पूर्ण झालेली आहे. मात्र सुजित नाईकचा तिसरे धावेचा प्रयत्न होता मात्र निश्चितच दोन धाव पूर्ण करते सुजित. आपलं स्वतःच खातं करतो दोन धावाने. संघाची धाव संख्या होती ती तीन बिंबात तीन. पहिले षटक मार्गस्थ येते हुजेऱ्याचं. अशा पाटील स्टँडच्या टोकाकडनं गोलंदाजाचा धुरा सांभाळतोय. सेकंड सेमीफायनल बघत आपण महेंद्र स्पोर्ट वर्सेस बी इंडियन. पुढला चेंडू सुजित याला सूर्यकासा चेंडू मात्र स्वतः गोलंदाज चेंडूला पकडण्याचा प्रयत्न करत होता मात्र निश्चितच एक धाव पूर्ण करते सुजित. हा वैयक्तिक आपल्या तीन धावांवर खेळतो. गेसुद्दीन आपल्या वैयक्तिक एका धावावर खेळतो. धाव संख्या जर बघितली तर धाव फलकावर चार धाव जमा होतात. बढ़िया शुरुआत में कहूंगा भरपूर फॉर्म मध्ये असलेला अरुण परफॉर्मन्स मध्ये जर विचार केला तर गेसुद्दीन चांगली फलंदाजी करतो आतापर्यंत आपल्या संघासाठी. पुढला चेंडू सूर्यकासा चेंडू ब्लॉक होल मध्ये मारले चेंडू होता मात्र सन्मान देतो मात्र चेंडू निश्चित चांगल्या चेंडूची जर इज्जत केली चांगला सन्मान दिला होता गेसुद्दीन याने चेंडूला. मात्र मगाशी बघितलं होतं मैं तो इतना ही कहूंगा शशिकांत के ने पहिली ओव्हर में काफी जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई हुजेर की. की मैन हुजेर बी इंडियन के. सूर्यकासा डोले चेंडू आणि चेंडू लॉन्ग ऑन आणि मिड विकेटच्या मधून जातो सहा धावांसाठी.
जर विचार केला तर गेसुनेच्या फलंदाजीचा जर एखादा चांगला चेंडू त्यांनी चांगली इज्जत दिली मात्र दो चेंडू खराब होता त्याला निश्चितच सीमा पार केला होता आणि या सहा धावाने संघाच्या धावसंख्येत वाढ होते. पाहू शकता मिड विकेटच्या बाहेर खूपच लांब पडल्याचा षटकार गेसुद्दीन याच्या बॅटमधून निघतंय आणि या सहा धावाने धावसंख्येचा जर विचार केला दूर अंकामध्ये प्रवेश केला म्हणजे धावसंख्या 10. अच्छी शुरुआत मैं तो कहूंगा महेंद्र स्पोर्ट भादवड़ की. बल्लेबाजी लाजवाब होती भी. गैसुद्दीन जब तक रहेंगे क्रीज के ऊपर रन बनते रहेंगे. काफी फोकस ऑलराउंडर और काफी अच्छी गेंदबाजी की अच्छी बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए. अब बड़ा मुकाबला चलता हुआ बड़े मुकाबले में छक्का भी मार चुके हैं गैसुद्दीन. 10 रन बन चुके हैं डबल फिगर में स्कोर जो है जाता हुआ महेंद्र स्पोर्ट का. 40 या 45 रन बनते तो काफी बड़ा टोटल माना जाएगा. शशिकांत केने निश्चित संदेश पाटील जर सांगायचं झालं तर आपण दोन मॅच मध्ये बघितला जर दानिश सुरेख फलंदाजी केली षटकार बघण्यासारखे प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारे असे षटकार दानिश याच्या बॅट मधून आणि दानिश फॉर्म मध्ये आल्यानंतर बी इंडियन संघाला कुठेतरी चांगला एक सपोर्ट मिळते. पंजनाथ पाटील चांद्रा त्यांनी कृपया मंचावर येऊन बसायचे. संदेश पाटील यांचे पिताश्री आणि स्टेप चुकतोय तिथे पंचाचा डॉट बॉलचा इशारा येतो आणि या स्पर्धेचे आयोजक संदेशजी पाटील यांचे पिताश्री यांचं होते आगमन होते त्यांच्या कमिटीच्या वतीने हार्दिक 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 स्वागत आहे. पुढला चेंडू हुजेराचा सामोर जातो तो गेसुद्दीन सुरेखाचा चेंडू बघा चेंडू चांगला सन्मान देतोय निश्चित एक धाव पळून काढतोय एका धावाने स्ट्राईक ऑर्डर करतो मात्र एका धावाने धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजे 11. एका षटकाच्या जर समाप्तीनंतर जर बघितली महेंद्र स्पोर्ट संघ पॉझिटिव्ह मध्ये चाललेला आहे धावसंख्या तिथे 11 बिनबाद 11. शशिकांत केने 11 रन बन चुके महेंद्र स्पोर्ट के. अब तक घासू क्रीज के ऊपर है लेकिन यहां से अभी भी 18 गेंद आने बाकी है. 18 गेंदों में 40 रन भी बनते तो बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट का मैं कहूंगा. सामने सामने बी इंडियन जैसे दिग्गज टीम है मुनाफ आने से जो टीम है ज्यादा मजबूत हो चुकी है और जमा ने भी एंट्री की है. हालांकि पहले मैच में नहीं थे अनफिट थे लेकिन फिर से वापसी होती भी बी इंडियन में जमा की. जरी जमा जरी संघामध्ये जरी असला पण जर विचार केला आपण दानिश दोन मॅच मध्ये चांगला फॉर्म मध्ये चाललेला हे महत्वाचं आहे. ये तो आपने अच्छी बात छेडी दानिश मेरा तो एक ही कहना है अपने को संदेश गेसुद्दीन तो ज्यादा से ज्यादा दानिश के ऊपर ये करता है कि जब दानिश बात हो जाता है तो टीम पिसल जाती है वहां से. तो विचार केला तर नवीन गोलंदाज संघाकडून दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज अकीब गेंदबाज. अकीब के हाथ में गेंद दिए कप्तान ने. अच्छे गेंदबाज है अकीब. अकीब ने भी अच्छी गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में लेकिन यहां से विकेट लेने जरूरी होंगे बी इंडियन को. अकीब तो संघाकडून दुसरं आणि सांगिक पहिले षटक सामोर जातो तो गेसुद्दीन. आतापर्यंत जर विचार केला गेसुद्दीन हा वैयक्तिक आपल्या 8 या धाव संख्येवर खेळतो सुजित हा आपल्या वैयक्तिक 3 या धाव संख्येवर खेळतोय. पुढला चेंडू सामोर जातो तो गेसुद्दीन सुरेखाचा टोले चेंडू मात्र मिड विकेटच्या दिशेने टोले चेंडू होता निश्चित मात्र एक धाव पळून काढतोय मात्र पुन्हा स्ट्राईक लेतोय सुजित नाईक. पुन्हा धावसंख्येत वाढ होते दुसऱ्या षटकात सुरुवात झालेली आहे. पुढला चेंडू पुन्हा सामोरे जातोय सुजित कारण जर बघितला तर दोन्ही नावाजलेले फलंदाज खेळपट्टीवर सज्ज. सपोर्टर बी इंडियनचे सुरेखाचा चेंडू बाहेर आता तो मात्र पंचांकडे दाब मागतो आणि फलंदाजी खेळी संपुष्टात येते. सुजित मात्र इथे बाद होते आणि पहिला आदरा महेंद्र स्पोर्ट संघाला बसतो. काफी जोर से अपील हुई थी देखना चाहेंगे रिप्ले में जिस तरह की गेंद की थी अकीब ने ये रिप्ले बता दिया जा रहा है. हाँ बिल्कुल मिडल स्टंप के ऊपर पा गए वहां पे सुजित नाईक और विकेट का पतंग होता हुआ. पहली विकेट गिरती भी महेंद्र स्पोर्ट की. बढ़िया गेंदबाजी होती भी अकीब की
जिस ब्रेथ की आवश्यकता थी इस दूसरे ओवर में अकीब अपने टीम के लिए देते हुए रन संख्या 12 रन। शशिकांत अब अच्छे बल्लेबाज आउट होने के बाद थोड़ा सा जो मानसिक दबाव रहता है वही अब महिंद्रा स्पोर्ट टीम के सामने। जर विचार केला तर अकीब याने चांगली गोलंदाजी हाताळली आहे, दोन चेंडूचा खेळ झालेला, मात्र जर विचार केला तर नवीन फलंदाज येतोय सुरेश पारधी, निश्चित काहीतरी चांगली रणनीती असावी कर्णधार पप्पे खारिक याचा। पारधी काफी अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाजी भी उतने अच्छे करते, लेकिन बल्लेबाजी में इस साल काफी प्रभावित किया अपने टीम को। सरपंच अशोक सरोली पाड़ा में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, वहां से लेके स्टेडियम में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पारधी ने, लेकिन यहाँ पे मौका मिला है पारधी को, आगे भेजा है कप्तान पप्पा खारिक ने, अलग रणनीति। अकीब लेफ्ट हैंड के गेंदबाज है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आगे भेज दिया वहां पे, वो तो अच्छी मैं सोच कहूंगा पप्पा खारिक की, लेकिन अच्छी गेंदबाजी होती भी रकीब की। निश्चित नवीन फलंदाज तो डावखुरे खेली का फलंदाज सुरेश पारधी इस टूर्नामेंट के लिए यन और सफल करने के लिए काफी मेहनत इस टूर्नामेंट के अनिल पाटिल, आकाश पाटिल, विवेक पाटिल और राकेश घाटल ने काफी मेहनत ली इस टूर्नामेंट के लिए, लेकिन सबसे फोकस पे रह चुके संदेश पाटिल और सुरेश पाटिल और आतिश पाटिल को कौन भूल सकता है, जिन्होंने तो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है सभी भिवंडी के टॉप टीम को। 22 टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हुई, लेकिन सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ महेंद्र स्पोर्ट और बी इंडियन। आइए फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए हमारे वॉइस ऑफ ठाणे के बुलंदा आवाज सिद्दीक भावी सर। टोटल चेंडू सामोरे जातो सुरेश पारधी, मात्र रनिंग मध्ये थोडा चुकतोय गोलंदाज अकीब, डावखुरा फलंदाज सज्ज होते सुरेश पारधी। सूर्यगसा टोळे चुंड मात्र एक धाव पर्यंत करतो, स्ट्राइक रोटर करते तिथे पुन्हा स्ट्राइक लेते गेसुद्दीन, बघितलं मगाशी मागच्या षटकामध्ये गेसुद्दीन सूर्यगसा षटकार घेतला होता, पुन्हा स्ट्राइक लेतोय। हुसैन राजस्थानी ने इस वक्त बी इंडियन और मतीन को ऑल द बेस्ट कहा है, रन उतनी आजादी से नहीं बन रहे महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए, हालांकि गैसुद्दीन शेख है कभी भी गियर बदल सकते हैं। एबी ऑफ भिवंडी 360 डिग्री में बल्लेबाजी करते हैं गैसुद्दीन शेख। निश्चित चांगली ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते तो गैसुद्दीन पुनः सज्ज होते अकीब याला, सूर्यगसा चेंडू पायावर आदलते आणि पंचांचा इशारा फलंदाज मात्र बाद होते आणि गेसुद्दीन जी खेली संपुष्टामध्ये येते। ये मंजर देखिए, ऐसा लग रहा है कि वाकई में साउथ अफ्रीका के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स आउट हो चुके हैं। जिस तरह से शोर उभरा था इंडियन के समर्थकों का, सामने पैक क्राउड होता हुआ, बहुत खूबसूरत गेंद थी। ये देखिए सीधा रखा था गेंद को और बिल्कुल विकेटों के सामने थे गेसुद्दीन शेख, बड़ा झटका लगता हुआ महिंद्रा स्पोर्ट्स को। निश्चित गेसुद्दीन ये जे खेली इथे संपुष्टामध्ये येते आणि दुसरा आत्रा बसतोय गेसुद्दीन याच्या रूपाने नवीन फलंदाज येते सचिन गायकवाड। ये खतरनाक है क्योंकि हवा भी चल रही है और सचिन गायकवाड सुबह सूरज पे टूट पड़े थे, लूट लिया था जियो सिंह की तरह सूरज को उस ओवर में। देखना है कि एक ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी को आए जब सचिन गायकवाड की बल्लेबाजी की महिंद्रा को सख्त जरूरत है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये जो सचिन गायकवाड है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा काम करती है। निश्चित जर आपण सकाळच्या सामन्यामध्ये जर बघितलं तिथे हवा नव्हती, मात्र सचिन चालला होता आणि मात्र सूरज याला बॅक टू बॅक चार षटकार त्यांनी मारले होते, त्यामध्ये जो हॅट्रिकचा जो षटकार होता एकदम असा जबरदस्त षटकार होता, पेशव्यांचे मनोरंजन करणारे षटकार पाहायला मिळाले होते। पुन्हा सज्ज होते सचिन गायकवाड, गोलंदाज अकीब याला, धाव संख्या जर बघितली 10 फलकावर फक्त 13 धाव आहेत, दुसरे षटक मार्गस्थ आहे। पुन्हा गोलंदाजी मध्ये स्टेप चुकते भरपूर पाठीराखे आहेत बी इंडिया संघाचे सपोर्टर, मगाशी आपण बघितलं होतं पॉइंट स्पोर्ट संघाला भरपूर पाठीराखे होते
पुढला चेंडू सुरेगासा चेंडू मात्र बॅट ची कड घेऊन जातो, मात्र कुठल्या प्रकारे धावणं निघता जातो चेंडू, मात्र सचिन गायकवाड यांनी निश्चितच मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये निसर चेंडू येत नाही। दोन्ही संघांना सूचना, कमिटीचा निर्णय असा की लवकर लवकर सामने खेळवायचे आहेत, सहकार्य करायचंय, कारण अजून फायनलचा सामना खेळवायचा आहे। सुरेख असा डोले चेंडू कहा ना मैंने आपको कि वो बैट्समैन है जिनके सामने ना हवा काम करती है ना गेंदबाजी की दवा, आते ही उन्होंने जड़ दिया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। मतलब सिद्धि बाबूसन निश्चित बिलाला की जागा पूर्णपने तो भरुन का सचिन गायकवाड़ ने जर बगित जिथे मगर सामना जिंको जिथे थांबवला तिथुनच त्याने सुरुवात केली आपल्या फलंदाजीला। या 6 धावाने धाव संख्येचा विचार केला, धाव पलकावर 89 धावा जमा होतात आणि हा 15वा फलंदाज आहे त्यांनी षटकाराने आपलं खातं खोललेलं आहे। बिल्कुल कयामत तो गुजरी थी मापोली क्रिकेट धमाका में जब 100 बैट्समैनों ने सिक्सर से खाता खोला था। निश्चितच आणि या 6 धावाचा जर विचार केला चांगली धाव संख्या आता म्हणता येईल ती महिंद्र स्पोर्ट्स संघाची, कुठेतरी जी कमी होती रनांची ती पूर्णपणे करण्याचा प्रयत्न सचिन गायकवाडचा मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा आपण बघितलं होता, कुठेतरी बॅकफुटवर आला होता, पूर्ण सचिन गायकवाडने धडकवत फलंदाजी करून सामन्याला विजय मिळवून दिलं होतं। थँक्यू शशिकांत, एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर, स्कोर इज 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, मॅन आउट सुजित नाईक फॉर जस्ट 3 एंड गॅसुद्दीन शेख फॉर 9 इज गोइंग टू बी कॅप्टन हिमसेल्फ ब्रॉट इन टू द अटॅक सायबान फक्की बी इंडियन वन ऑफ द किलर स्ट्रीक टीम इन तालुका क्रिकेट सायबान बोस्टो पारदील पुट अवे व्हेरी नाइसली ओवर स्क्वेअर 1 for 6 खरोखरच चांगला असा फटका होता प्रेक्षकांचा मनोरंजन करणारा चेंडू जसा बॅटच्या पट्ट्यामध्ये तसा चेंडू आपल्या सीमेपार पाहायला मिळतो। लुक एट दॅट रिस्की फ्लिक स्टॉप फ्रॉम सुरेश पारदी एंड बॉल इज ऑल द वे टू द स्क्वेअर लेग प्लेंटी ऑफ पॉवर बिहाइंड दिस स्ट्रोक ट्रेमेंडस टाइमिंग टिपिकल सुरेश पारदी स्ट्रोक फॉर 6 पारदी मोज अप टू 7 सचिन गायकवाड ऑन 6 एंड महेंद्र स्पोर्ट 25 for the loss of 2 wickets. What a shot he played in front of his legs. Play held up now. Suresh Pardi taking the advantage of running breeze, because breeze is running from west to east, a lot of benefit for left-handed batsman. Saiban Fakki, the muscles bowler, in previous match Jilani given away 20 runs in over, that's the big difference, and Majid Bobre played 15 balls and made only 12 runs. Vivek Patil joined us in commentary box. Bachcha Patil, welcome. This time once more driven nicely in the gap and 4 runs. Nobody can move from his position. What a shot. No chance to Danish and Miraj in deep. Look at that. Power back. Swung his stop in the gap. 4 runs. His score bouncing to 29. And MLA Rupesh Matre from team Mahindra right on top now. आगमन होते चांदरा गावचे वरिष्ठ नागरिक साहेब सुरेश, दिस टाइम फाइन डिलिव्हरी, यस इज बॉल एम प्लेड ऑन, सुरेश पारदी इज आउट, परफेक्ट यॉर्कर इन साइड एच रोज टू दी स्टंप्स एंड फाइनली गेट्स प्लेड ऑन। इथे पाहुण्यांचं आगमन होते सुरेश गोविंद पाटील तसेच सरेश बाबला पाटील यांचं सुद्धा इथे आगमन होते, तरी त्यांचं कमिटीच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे।
सो डिपार्चर ऑफ पारदीप बट ही इज डन हिज जॉब मेड 11 क्विक रन्स इन 4 बॉल्स स्कोर इज 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स महेंद्र स्पोर्ट लूजिंग अ टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट इन द सेकेंड सेमीफाइनल वियान मित कुमार क्वालिफाई फर्स्ट टाइम इन सिटी क्रिकेट इन मेगा फिनाले इन हियर वी वॉच साइबान फक्की फेसिंग हिम कैप्टन पपिया खारिक दिस इज द राइट डिसीजन पपिया खारिक इज अ डेंजरस कस्टमर इन स्लॉग ओवर्स कमिंग ऑन नंबर 4 बिकॉज In previous old trophies, Papya Kharik made quick runs in slog overs. निश्चित रूप से सुरेश फर्दी बाद जाने अंतर नियम प्रदर्शन देते हो पप्पया खारिक संघर्ष करने दार खिलाड़ी सज्ज होते सैबान फक्की बॉस दिस टाइम ट्राई टू प्ले अ रिवर्स दे थ्रू फॉर वन सो सैबान Bowl a full toss delivery and Papya Kharik off the mark 30 for the loss of 3 wickets Mahendra third over in progress Akshay Patil Varpe yancha kadna Mahendra Sports sanghasathi hardik shubhechha yetat punna strike la deto Sachin Gaikwad here goes Saiban Boston Sachin tried to drive in front of wicket. Ball is traveling in covers. Thick outside edge. Sachin looking for a second. No says by Papya. One to score now. His score moves up to 31. From here, I think 7 balls left. And I think Mahendra looking another 10 or 12 runs. Because 45, one of the tough total. Danish is the inform. opener of Indian in previous all matches this time try to mighty blow not a connect properly middle of the bat does not connect properly ball is traveling backward of the square enough time one more to total now that marks end of the third over 32 for the loss of 3 wickets teen over ki samapti aur स्कोर है 32 रन डीजे राणा ने निम्बोली से इस वक्त महेंद्र को ऑल द बेस्ट कहा है अब एक बात है शशिकांत के ओवर बचा है एक रन बने 32 पिछले मैच में 43 का लक्ष्य था और महेंद्र भी चाहेंगे कि कम से कम 44 या 45 यहां पे रखना होंगे क्योंकि बी इंडिया ने एक ऐसी टीम है मेयर कप 2006 में इसी ग्राउंड पे उन्होंने डेब्यू किया था एनआर से फाइनल हारी थी लगभग जीता हुआ फाइनल गेसुद्दीनने पप्पे खारिकला वडपेगावचे सरपंच जानी यांच्याकडून शुभेच्छा होतात 2007 में वही कहानी रही सनी स्पोर्ट्स के सामने फाइनल हारी 2008 में बहुत पहले बाहर चली गई 2009 और 10 में मेगा इवेंट नहीं हुआ सिल्वर जुबली आया तो बी इंडियन ने वो सिल्वर जुबली जीता फिर 12 में मेगा इवेंट नहीं हुआ था और 13 में मेयर कप 2013 को जीता 14 से प्रतिभा विलास में कहानी कुछ बदल गई और हुकूमत रही जिसका नाम अब धनेश कुक से है चैलेंज पप्पू चौधरी कृपया मंच बसे अपने कमेटी चौधरी हार्दिक हार्दिक स्वागत है जिशान ओ धीमा कटर अचंभित रह गए पपिया इस कटर से तो उन्होंने जयेश पाटिल को भी बहुत परेशान किया था पहले भी इंडियन ट्रॉफी में जयेश पाटिल जो अच्छे फॉर्म में इस सीजन में लगे थे जबकि वंडर ऑफ पीओंडी जगदीश नाइक ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है
इस्मत अबा लिफ्ट कर दिया है गैप में, कैलकुलेटेड सिक्स। निश्चित संघाचा कर्णधार पप्पया खारी घ्यायच्याकडून बॅट मधून चेंडू सीमा पार होते सहा धावांसाठी आणि सुबेचे ते प्रथम कुमार चाविंद्रा चे प्रोपरायटर सुदाम पाटील यांच्याकडून दोन्ही संघासाठी शुभेच्छा येतात। इंडियन के लिए इस वक्त अमान सैफ अरबाज सरफराज फरान और पूरा खान ग्रुप ऑल द बेस्ट कहता हुआ। आणि या सहा धावांसाठी धाव संख्या जर बघितली धावल कवर 38 धाव जमा होतात। रामदास चोगले ने इस वक्त महेंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है शांतिनगर से। जिशान पप्या के लिए आसमानी टोला 6 रन। मैंने पहले ही कहा था उन्हें, उन्हें सवाल में भी पूछा था कि आप किस नंबर पे बल्लेबाजी को आएंगे, क्योंकि पिछले सब स्पर्धाएं देखिए, ये देखिए पावर बैक पुल स्ट्रोक, पिछले पांव पे चले गए थे, गेंद को आने दिया था और बल्ले पे मोहर थी 6 रनों की। नितिन सिद्धू बाबू सर जब तुम्हें पत्ते खाई गए विचार लेता का कितनी धाव पर्यंत तुमचा टार्गेट होते बोले 40+ जे माझे आधी जे खिलाड़ी होते त्यांनीच करावे आता त्याचीच गरज होती है त्यांनी ती 40+ धाव संख्या उभारलेली आहे। 44 हो चुके हैं, कितनी गेंदे बची है, 3 गेंदे। जिशान इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्वीप लेकिन डीप में खिला रही है 1 रन। शॉट बहुत जानदार था, प्लेसमेंट नहीं थी, झुक के खेलते हैं पप्पया खारिक, अपना अंदाज है उनका और हर एक का अंदाज अलग अलग, अंदाज अपना अपना। निश्चित ज्या फटक्यांची अपेक्षा होती पप्पया खारिक संघाचा कर्णधार होता ती पूर्णपणे त्यांनी करून दाखवलेली आहे। 2 षटकार बॅक टू बॅक आपल्या संघासाठी खेळले होते, संघाची धाव संख्या 45। जिशान इस ओवर में थोड़े से परेशान है क्योंकि 13 रन दे चुके हैं। अच्छी गेंद, लेग कटर बीट किया, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, क्रीज बॉक्स से खेले थे बैट्समैन सचिन गायकॉट। ये देखिए फ्रंट लेग को बाहर जरूर खींचा था लेकिन गेंद को दूर से खेलने की कोशिश। निश्चित आखिरी गेंद, इस गेंद को हम इस ग्राउंड पे बहुत ही अहमियत दे रहे हैं। आखिरी गेंद कट करने की कोशिश और गेंद पीछे की ओर 4 रन। चैलेंज पप्पू चौधरी यानी कृपया मंच बसायचे आपले विकेटकीपर चांदरे जी ने हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कृपया अपन मंच बसायचे पप्पू चौधरी चैलेंज यानी कृपया देखिए किस तरह से कट करना चाहता मोटा सिरा लेकर गेंद बाउंड्री के बाहर। चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी आपसे निवेदन है आपको मंच पे आना, आपका हार्दिक स्वागत है। फाउंडर मेंबर अशोक बलांडी जी आपका भी हार्दिक स्वागत है, आपको भी मंच पे आना है। टकू जैन आपका भी हार्दिक स्वागत है। संतोष भगत नायगांव जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं आपका हार्दिक स्वागत है। लेट देवीदास स्मृति चषक में बाकी जो लोग स्टेज पे बैठे हैं आपको मेहमानों को जगह देना है प्लीज हमारे मान्यवर के लिए। 50 का लक्ष्य रखा है और आइए किस तरह पूरा होता है पहले सुनते हैं संदेश से। अली फक्की ने इस वक्त इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है। ये अपन पाहू शकता आशा पाटील स्टैंड दाखवला जात आहे विहान मितकुमार टेमगर चे काही का प्रेक्षकांचा तमाम क्रिकेट प्रेमी आपण पाहतात आमच्यापासून जोडत आहेत कारण की शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण पाहतोय पोहोचलेला आहे यानंतर फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे
विहान मित कुमार टेमगर या संघाने आणि विजेता संघ निश्चित फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. 50 धावांचं लक्ष्य ठेवलेलं आहे तो म्हणजे बीएनडीएल संघासमोर. भरपूर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. दिलीप म्हात्रे देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत. रचितांनी सांगितलेलं आहे की दोन्ही संघांना शुभेच्छा दे, कारण की सामना जो आहे बलाढ्य स्थितीमध्ये आहे. कारण की एका बाजूला बीएनडीएल आहे, एका बाजूला महेंद्र स्पोर्ट साहेब फक्की एका बाजूला आहे. मॅचउद्दीन चांगली संघामध्ये लढत पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. पंचाने देखील ग्राउंड मध्ये प्रवेश करा. सलामीची जोडी खेळपट्टी पाठवायची आहे. पाहू शकता आपण निश्चितचा तर 50 धावांचं आव्हान आहे. आपण पाहतोय या स्पर्धेसाठी निश्चितच तन मन लावलेलं आहे ते म्हणजे आमचे आयोजक. आपण पाहतोय निश्चितच आतिश पाटील यांचं नाव मी अगोदर घेईल, कारण की स्पर्धा घडवण्याचं कारण जे आहे निश्चित देवीदास पाटील यांच्या स्मरणार्थ आपण विक्की स्पोर्ट चाविंद्र आयोजित पाहतोय. त्याचबरोबर त्यांचे काही खंबीर समर्थक आहेत, त्याचबरोबर त्यांचे मित्र आहेत. निश्चितच अनिल पाटील आहेत कशिलीचे, त्याचबरोबर आकाश पाटील अर्थात बुवा आणि विवेक पाटील, त्याचबरोबर खांडवाल, त्याचबरोबर राकेश घाटाल, एवही प्रभाकर गुलवी निंबवली, त्याचबरोबर जितू गुलवी भिनार. निश्चित या स्पर्धेसाठी त्यांनी देखील मेहनत घेतलेली आहे. मात्र फोकस मॅन जे आहेत सुरेश पाटील, त्याचबरोबर आपण पाहू शकता संदेश पाटील यांना दाखवले जाते, तेजस पाटील, त्याचबरोबर आपण पाहताय शरद धुले यांना दाखवलं जात आहे, त्याचबरोबर गणेश गुलवी सरपंच यांना दाखवलं जात आहे, सरस पाटील यांना दाखवलं जाते. असे भरपूर आमचे दिग्गज जे व्यक्ती आहेत भिवंडीचे नामांकित असे वरिष्ठ नागरिक आहेत त्यांना दाखवले जाते. मात्र राज पाटील याचं देखील नाव घेतलं जाईल, कारण की या स्पर्धेसाठी निश्चित भरपूर मेहनत घेतलेली आहे. 50 धावांचं आव्हान आहे. धावफलकावर आपण पाहतोय बीएनडीएल संघाची सर्व जबरदस्त सलामीची जोडी. आपण पाहतोय मतीन आणि दानिश डी के काजी. आपण पाहतोय दानिश याच्याकडून काही अपेक्षा असतील आपल्या संघासाठी. मात्र पंकज फ्रंट गोलंदाज आपण पाहतोय महेंद्र स्पोर्ट संघाचा. आज पप्या खाली कर्णधार ज्याने चांगली फलंदाजी केलेली आहे. पंकज मॅन फ्रॉम कारेवली आशा पाटील नादी स्टँड इन करून जातोय. सामना करतोय मतीन. पाहूया कोणत्या प्रकारे सुरू होतं. पहिल्या षटकामध्ये पंकज 8-9 पावलाचा रनअप आपण पाहतोय गोलंदाजाचा. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आकाश पाटील. चेंडू खाले चांगला प्रयत्न म्हणेल मी, पूर्णपणे झोकून दिलं होतं मात्र कॅप पकडू शकत नाही. दोन धावे पूर्ण करतायत बीएनडीएल संघाचे फलंदाज. आपण पाहताय मतीन आणि दानिश मिस टाइम स्ट्रोक था और अपने आपको झोक दिया था. ये देखिए नीचे बैकलिप से स्वीप खेला था, लेफ्ट स्वीप खेला था और ये देखिए अपने आप को झोंक दिया था. किसे खबर पता तो उसको भी था आकाश को कि अगर कैच होता तो फिर वो कह सकते थे कि दाग अच्छे हैं. अगदी बरोबर म्हणत आहे सिद्दीक भावे सर. कारण घरी गेल्यावर एक प्रश्न निश्चित विचारतात सिद्दीक भावे सर, आज एवढे कपडे तू माखून आलेला आहेस म्हणजे काहीतरी चांगलं काम करून आलेला आहेस. निश्चितच प्रयत्न म्हणेल मी, चांगला प्रयत्न. पंकज गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट अमोर द विकेट. पुन्हा एकदा संधी होती कॅचची मात्र चान्स मिळाले चेंडू सीमेच्या बाहेर. षटकार मतीन आहे. ये जब अपने रंग में आते तो क्रिकेट के सारे शॉट नजर आते हैं. ये उनका बहुत ही फेवरेट जोन है और बहुत ही ट्रेडमार्क स्ट्रोक है. ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉग किया गया इनको खड़े खड़े मिड विकेट पर 6 रन.
पहिला चेंडू बघितला कॅच सोडली त्यानंतर मिड विकेटच्या बाहेर 7 धावांसाठी षटकार गेला मात्र बाहेरचे जे दर्शक आहेत त्यांनी देखील चांगली कॅच पकडली सिद्दीक भावे सर मापोलीचे दानिश भुरे जब्बार खान और शोएब भुरे ने भी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है कच पुन्हा एकदा बाहेर निघून आणण्याचा प्रयत्न जोरदार अपील होती ते मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर व्हाईटचा इशारा ते पंचांकडून एक्स्ट्राची मदत धावसंख्या भी इंडियन संघाची आपण पाहताय 9 धावा सिद्दीक भावे सर धाव संख्या बनत आहेत जर आजकाल रनचा विचार केला निश्चित 12.50 पाहिजे मात्र निश्चितच आपण पाहताय चांगली धाव संख्या 9 धावा झाली धावफलकावर अच्छी शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई भी इंडियन टीम की ये जो खासियत है ये बहुत कम टीमों में नजर आती है एक तो ये कि पूरे भिवंडी को खींच के ग्राउंड पे लाते हैं दूसरे ये कि उनमें किलर स्ट्रीक लड़ने का जो तरीका है आखिरी सांस तक वो लड़ते रहते हैं क्रिकेट में अगदी बरोबर पंकज थोडेसे धावा खर्च करते आपल्या षटकामध्ये पाहूया पुन्हा एकदा फॅटा मोड विकेट जात आहेत पुन्हा पुढे निघून मारण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेर मानसिक दबाव गोलंदाजावर वाईट इशारा करतात फारुक वर्डी सर एक्स्ट्राची मदत होते बी इंडियन संघाला नहीं आप पप्या खारिक अपने गेंदबाज के पास जा रहे हैं ये बताने के लिए कि एक नंबर पे पहुंचना है तो फिर आपको एक नंबर गेंदबाजी भी करना होगी अगदी बरोबर कारण की याच्या अगोदर आपण बघितलं विहान मित कुमार टेमगर या संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे पंकज पुन्हा फुल टच चेंडू लालीपॉप चेंडू चेंडू सीमेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार इरादे साफ कर दिए मतीन ने ये जो ग्राउंड है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे मतीन मुनाफ जमा ये जो तीन बैट्समैन है हमेशा चले और वो जब चले तो भी इंडियन चली निश्चितच कारण की परफॉर्मन्स चांगला झालेला या ग्राउंडवर बी इंडियन संघाचा आणि त्यावेळी निश्चितच जागतेरावचा निश्चित आदेश दिलेला आहे कारण की धावांचा विचार केला तर 16 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत म्हणजे आस्किन रनडर 12.50 चा होता त्यावेळीच निश्चितच फिर हम देख रहे हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड को के आप पैक क्राउड होने की तैयारी में ये जो दृश्य है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का वो आंखों में समा जाता है तर निश्चित चांगली सुरुवात म्हणतोय मी 16 धावा धाव फलक पाहतोय आपण 4 चेंडू आतापर्यंत टाकून झाला गोलंदाजाच्या 4 चेंडू मध्ये 16 धावा 3 चेंडू मध्ये निश्चित 16 धावा खर्च केलेल्या आहेत प्रिन्स मूवीज थोडासा निश्चितच 3 गेंदो में जब 16 आ जाए तो फिर कठिनाइयां बढ़ सकती है यहां पर महिंद्रा के लिए जो बल्लेबाजी पप्या खारिक ने की वो बल्लेबाजी की शुरुआत मतीन करते हुए आमच्या मध्ये प्रदीप चौधरी येत आहेत वेलकम दादा आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे टेमगुरगावचे जिचे सुपुत्र आहेत आणि समाजसेवक देखील आहेत और विक्टोरियन के बहुत मान बल्लेबाज शुमाइल सुसे भी हमसे जुड़ते हुए पंकज मैन फ्रॉम कारवली खर्च होत आहेत आपल्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा वाचू शकत नाही कारण वाईटचा इशारा होते एक्स्ट्राची मदत आणि बी इंडियन चांगल्या स्थितीमध्ये सिद्दीक भावे सर सिद्दीक भावे मी एकच म्हणेल या षटकामध्ये पंकजाने चांगली गोलंदाजी केली नाहीये बिलकुल 3 ने 17 मानो खतरा पंकज गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट सामना करतो मतीन डेंजरस मूड दिसतोय मतीन याच कारण की आतापर्यंत 2 षटकार ठोकलेले आहेत ते म्हणजे मतीन याने पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या बाहेर लांब पल्ल्याचा षटकार 4 गेंदों में अब रन बने हैं 23 2 ओवर के रन 4 गेंदों पे ओहो क्या शॉट है क्या फॉलो थ्रू है सर मीतर मनेल अफलातून शॉट सिद्दीक सर मीतर मनेल हा चेंडू सोडून दिला असता तरी व्हाईट चेंडू असता सर कारण की ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर निघून मारलेला हा चेंडू आपण पाहतोय षटकार जातोय धाव संख्या होते ती 23 डेंजरस मूड निश्चित पाहायला मिळते आणि निश्चित हॅट्रिक
पूर्ण झालेले आहेत सिद्दीक पालवे सर. हॅटट्रिक म्हणजे या सामन्यामध्ये निश्चित पाहिजे. देखिए गसुद्दीन शेख भी उतना खुश नहीं है वहां पर. जिस तरह रन बन रहे हैं, इंटरटेनमेंट होता हुआ ग्राउंड के बीच में. गेंद की मांग की है वहां पर. मतींची ज्यावेळेस कॅच उडाली होती सिद्दीक भावे सर, प्रयत्न केला तर चांगला प्रयत्न मी म्हणेल आकाश पाडलेचा, मात्र मतीन याने निषेधाचा नाही. वो जो कॅच थी वो कॅच थी नहीं, उसको बनाने की कोशिश की थी. कोई इतने दूर जाकर अपने आप को झोंक दे मानो वो कैच ही नहीं था, सेफ स्ट्रोक था जिसको उन्होंने कैच में परिवर्तित करने की कोशिश की थी. अपने आप को झोंक दिया था आकाश पाटिल ने. अजूनही षटकाचा खेळ चालू आहे. खूपच माग अशा धावा खर्च करतायत, तब्बल 23 धावा खर्च करणारा हा गोलंदाज आपण पाहताय. पुन्हा एकदा मतीन खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि चेंडू सीमेच्या बाहेर जातो. 6 धावांसाठी षटकार. आप रिप्ले में देखिए फ्रंट फुट को कितना बाहर खींच रहे मतीन स्लॉग करने के लिए. ये देखिए फ्रंट फुट को बहुत बाहर खींचा, गेंद की पिच तक गेंद को स्वंग कर दिया जॉर्ज बेली के अंदाज में. 6 रन सर, 5 गेंदों में 29 रन. कंधे झुक चुके हैं पहली ओवर में महिंद्रा के तमाम फील्डरों के. 5 गेंदे और 29 रन, सबसे महंगा ओवर अब तक लेट देवीदास कप में हम देख रहे हैं, जबकि सीजन का महंगा ओवर 41 रनों का रहा है. धावसंख्या आपण पाहतोय 29 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही एक चेंडू बाकी आहे. जर याच्यावर षटकार लागला सिद्दीक भावे सर तर निश्चितच मी म्हणेल पंकज याची खराब गोलंदाजी. गोलंदाज पंकज पूर्णपणे दबाव मध्ये पाहायला मिळते. गोलंदाजी पुन्हा एकदा सुंदर फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. व्यवस्थित बॅटच्या पड्ड्यामध्ये येत नाही चेंडू, मिड विकेट क्षेत्रामध्ये जाते चेंडू. एक धाव पूर्ण होत आहे आणि या षटकामध्ये 30 धावा पूर्ण होत आहेत, त्या म्हणजे बीडने संघाच्या. सिद्दीक भावे सर 50 धावांचा आव्हान होता. मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मतीन के हाथ में जियो सिम लग गया, ऐप फ्री, मैसेज फ्री, कॉलिंग फ्री, सब कुछ फ्री. 30 रन जब पहले ओवर में बनते हैं तो फिर बचाने के लिए अब कुछ नहीं रहा. आप देखना है कि गसुद्दीन शेख या फिर कोई और गेंदबाज, यहां से बहुत मेहनत करना पड़ेगी महेंद्र को मैच में वापसी के लिए. लेकिन सिद्दीक भावे सर मैं तो इतना ही कहूंगा 4 गेंदों में 4 सिक्स लगाने के बाद मतीन भी अब टॉप बल्लेबाजों में उनका नाम लिया जाएगा. जिस तरह बल्लेबाजी की मतीन ने, हाइडलाइट क्रिकेट देखने मिले सभी दर्शकों को, मतीन आग उगलता हुआ बल्ला मतीन का 30 रन मारे वहां पे बेंडन ने. जहां पे उसर के ओवर में 11 रन बने थे, अकीब के ओवर में 8 रन बने थे, साहिबाम फक्की के ओवर में 13 रन बने थे और 17 रन जिशांक के ओवर में बने थे. पैक क्राउड दिखाया जा रहा है अब पूरे स्टैंड्स पैक होते हुए आर्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे. अब ए बी बनना होगा गैसुद्दीन को फिर से एक बार अपने टीम के लिए. संकट मोचन में कहता हूं इन्हें, यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, दबाव डालना होगा बेंडन के ऊपर. गेंदबाज गैसुद्दीन पहली गेंद लेकर आशा पाटिल अधिष्ठान एन से, सामने होंगे बल्लेबाज मतीन. काफी तीखे तेवर दिखते हुए यहां पे मतीन के, अच्छी बल्लेबाजी मतीन ने बनाए अपने टीम के लिए. 27 रन दानिश को मिला है.
पहली गेंद लॉब कर दिया और सॉफ्ट डिसमिसल, मत इन आउट। गयासुद्दीन शेख ने बता दिया है कि मैच में अभी भी वापस आया जा सकता है। गेंद की लेंथ तक नहीं थे, सिर आसमान में, गेंद आसमान में। ये देखिए सॉफ्ट डिसमिसल, फ्रंट फुट को बाहर नहीं खींच पाए थे मतिन। सात गेंदों में 27 रन बनाकर आउट होने वाले बल्लेबाज, वो भी सेकंड सेमीफाइनल में, बेहतरीन बल्लेबाजी मैं कहूंगा मतिन की। समय काफी कम है, 4:25 हो चुके हैं, फाइनल मुकाबला भी 4-4 ओवर का खेला जाना बाकी है, इसलिए दोनों टीमें सहयोग करें क्योंकि विजेता टीम को वियान मित कुमार से टकराना होगा और वियान मित कुमार के कैप्टन आपको हमारे वीआईपी सामियाने के सामने आके खड़ा रहना है। नहीं बल्लेबाज मिराज, ये भी काफी डेंजरस बल्लेबाज है मिराज ने, इस सीजन में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन गयासुद्दीन कुछ तो सोच रहे होंगे इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने की, लेकिन यहां से दानिश अब होंगे सामने, अच्छी बल्लेबाजी की है दानिश ने इस टूर्नामेंट में, क्या लंबे सीख जड़े थे पिछले मुकाबले में दानिश ने, लेकिन बड़ा मुकाबला चलता हुआ पहले ओवर में जरूर 30 रन खर्च किए थे गेंदबाज पंकज ने, लेकिन पहली गेंद पे बड़े विकेट का पतंग होता हुआ, स्लोअर किया था, बढ़िया स्वीप किया, गेंद अब जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में, रन लेना चाहते, खराब थ्रो मैं कहूंगा, तीसरा रन भी लेने की कोशिश हो रही है और मिराज को अब जाना होगा प्ले स्टैंड में, विकेट गिरता हुआ बी इंडियन का, तीसरा रन लेकिन सर मेरे ख्याल से तीसरा रन नहीं था, लेकिन लेने की कोशिश की वहां पे दानिश ने, नहीं चांस इसलिए लिया था कि बल्लेबाजी बहुत बाकी है, लेकिन ये बेनिफिट मिलता हुआ महिंद्रा को। स्कोर इस वक्त 32 रन हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर, बहुत कोशिश कर रहे हैं गयासुद्दीन शेख अपनी टीम को मैच में वापस खींचने की, बड़े विकेट का पतंग होता हुआ मिराज भी लौटते हुए, अब इससे पहले मतिन 27 रन बनकर आउट होके गए वापस और मिराज आउट होते हुए, अब साइबर टीम के कैप्टन, टीम के कैप्टन आगे होते हुए साइबम पक्की ऊपर आया, अब अभी भी जीतने के लिए हमें नए बैट्समैन साइबान फक्की बल्लेबाजी को आए, 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 50 का लक्ष्य महिंद्रा स्पोर्ट्स ने रखा है फाइनल में पहुंचने के लिए, देखना है गेंद के आकार को लेकर वहां पे कुछ चर्चा होती भी, अभी भी मौका है भावे सर, 16 गेंदे बाकी है लेकिन 18 रन भी चाहिए जीतने के लिए बी इंडियन को, इस टूर्नामेंट में सफल करने के लिए काफी मेन रोल रहा है यहाँ पे आतिश पाटिल, संदेश पाटिल और सुरेश पाटिल और उनके तमाम साथीदार अनिल पाटिल, आकाश पाटिल और विवेक पाटिल, राकेश घाटल, प्रभाकर गुलवी, जीतू गुलवी और राज पाटिल, सभी ने काफी मेहनत ली है। गयासुद्दीन राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को गली में ढक दिया, डीप में से अच्छी फील्डिंग होती हुई, एक रन बनाया वहां पे साइबम फक्की ने, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, देर से खेले थे, गेंद को आने दिया था और टैप किया था गेंद को बैकआउट ऑफ द पॉइंट, एक रन। ये देखिए साउथ ईस्टर्न अब पूरी तरह भर चुका है, गयासुद्दीन बढ़िया गेंदबाजी होती हुई गयासुद्दीन की, इस तरह की गेंदबाजी करनी होगी महेंद्र स्पोर्ट को, सामने होंगे बल्लेबाज अब डीके दानिश काजी, खेलने के लिए बिल्कुल तैयार, ये बढ़िया अंदाज था दानिश का, वाइड अप मिड विकेट गेंद जाती हुई, बढ़िया फील्डिंग, राज थे वहां पे, एक रन बना इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 34 लॉस ऑफ 2 विकेट्स बी इंडियन, 50 रनों का लक्ष्य यहां पे 4 ओवर में, पहले ओवर में पंकज ने 30 रन खर्च किए, अब अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में गयासुद्दीन की, गयासुद्दीन फाइट आर्म ओवर द विकेट, सामने होंगे साइबम फक्की, फिर से बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया गेंद को, गेंद अब जा रही है एक्स्ट्रा कवर में, राज दूसरा रन लेना चाहते हैं वहां पे और द
दानिश आउट होके अब वापस जाते हुए प्ले स्टैंड में, पूरा गुस्सा निकलते हुए गेंद के ऊपर गैसुद्दीन। सिद्दीक भाई से क्या कहना चाहोगे? Yes, what a excellent work from गैसुद्दीन and what a throw from the deep and finally दानिश on his way. What a excellent odd turn from गैसुद्दीन. Have a look at that soft end drive. The go for one looking for a second. Nice is a return from the fielder in deep Raj Baulia and गैसुद्दीन done a fantastic job. His score is 35 for the loss of 2 wickets so far. अभी भी 15 रन दूर है, 3 wickets. इंडियन बाबे सर अभी भी 15 रन दूर है, लेकिन आने वाले अभी भी गेंदे हमें बता रहे हमारे ऑफिशियल स्कोरर इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। गैसुद्दीन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अब तक 3 बल्लेबाज को आउट करने में यश मिला है उन्हें। बढ़िया गेंदबाजी होती थी इसीलिए तो भिवंडी के एबी नाम से मशहूर है गैसुद्दीन। He is a fighter cricketer. He is a very, very fighter cricketer. So far, outstanding bowling from गैसुद्दीन in five balls, given away 5 runs and 3 wickets fallen, 1 taken, 2 batsmen gets run out. आ गए खतरनाक बल्लेबाज बाबा, काफी मशहूर हो चुके बाबा बीएनडीएन के, लेकिन स्ट्राइक पे होंगे साइबम फक्की टीम के कैप्टन और आखिरी गेंद खेलने जा रहे गैसुद्दीन की राइट आर्म ओवर द विकेट। आशावादी नॉर्थ ईस्ट स्टैंड से गैसुद्दीन सामने होंगे बल्लेबाज साइबम फक्की। गेंदबाज गैसु सामने होंगे बल्लेबाज साइबम फक्की। फिर से बढ़िया गेंद थी फॉलो थ्रो में फील होती हुई डायरेक्ट थ्रो करने की कोशिश वहां पे एक रन बना। बहुत ही हार्ड वर्क वहां पे गैसुद्दीन करते हुए, अपने आप को झोंका जा रहा है, गेंद सीधी जाके टकराई थी टांगों में साइबम फक्की के। ओवर समाप्त होते हुए 2 स्कोर है 36 रन, 2 ओवर बचे हैं और 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये देखिए पुश किया था गेंद को स्लिम डाउन पर, थ्रो बहुत ही तेज आता हुआ, डायरेक्ट हिट होता तो संकट में जाते वहां पे बल्लेबाज, लेकिन दौर की समाप्ति। टोटल जो रन संख्या है 36 रन, आने वाले 12 गेंदों में 14 रन की अभी भी दरकरार है बी इंडियन को जीतने के लिए। तो आइए ठाणा की उस बुलंद आवाज को मैं लाना चाहता हूँ कमेंट्री बॉक्स में, वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर। अनेक अनेक धन्यवाद संदेश पाटिल। 3 ओवर की समाप्ति 36 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे 3 विकेटों के नुकसान पे 2 ओवर में 14 रन चाहिए। गेंदबाजी के लिए सुरेश पारदी को बुलाया गया है और सुरेश पारदी के पास अब ऐसा मौका है कि यहां से वो तो चाह सकते हैं कि हीरो बने। ये बात अच्छी है, अंपायर सेटिस्फाई है वहां पर गेंद से, गेंद अंपायर ने थमा दिए गेंदबाज पारदी को जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जा रहे हैं। सामना करेंगे बैट्समैन कप्तान साइबम फक्की। ये अपने अच्छी बात छेड़ी, यहां से हीरो बनना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेटों को निकालना होगा अपनी टीम के लिए। और साइबम फक्की टीम के कैप्टन इस साल इस सीजन में फोकस में, अच्छी कप्तानी होती हुई साइबम फक्की की। सुरेश पारदी 14 रन चाहिए, समय अब बीतता जा रहा है, भारतीय समय के अनुसार 4:35 हुआ चाहते हैं मुड़ते हुए। पहली गेंद शॉर्ट अम पुल, बढ़िया फील्डिंग डीप में पपिया खारिक की, सिर्फ एक रन। सैतीस पे पहुंचा स्कोर। अब बाबा के लिए शोर उभरता हुआ, 11 गेंदे 13 रन। पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पे आगे बढ़कर एक रन। 38 पे पहुंचा स्कोर, 10 गेंदों में 12 रन चाहिए। 2 अच्छी गेंदे कर चुके हैं सुरेश पारदी। महिंद्र स्पोर्ट भी अब चार्ज होती हुई सिद्दीक भावे सर, जिस तरह फील्डिंग हो रही है महिंद्र स्पोर्ट की, बढ़िया गेंदबाजी होती हुई सुरेश पारदी की।
लेकिन दोनों भी डेंजरस बल्लेबाज है क्रीज के ऊपर, साहिबा फक्की और बाबा। और गेंदबाजी हो रही है सुरेश पारदी, मशहूर है एक्सप्रेस के नाम से, लेकिन यहां से हीरो बनना तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी सुरेश पारदी को। देखना है अभी भी गेंद के आकार को लेकर अब खराबी हो चुकी है और अंपायर का जो निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा। अंपायर ने गेंद बदलने की मांग की है। काफी दर्शक हमसे जुड़ते हुए, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है फिनाले डेल में। सुपर संडे आज का आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का, काफी दर्शक साउथ स्टैंड में, आशा पाटिल गैलरी में भी काफी हमारे समर्थक बैठे। अब मैं आवाज देना चाहता हूं विहान मित कुमार टेमगर के कैप्टन को, आपकी पूरी पलटन लेके आपको हमारे ठीक कॉमेडी बॉक्स पे बाजू में आके खड़ा रहना है। ये आप देख रहे हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल। सुरेश पाटिल फोकस मैन इस टूर्नामेंट के। सुरेश पारदी बहुत अच्छी गेंद आगे रखा, अच्छा ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, गेंद राज बावलिया के पास पहुंची थी। अच्छी फील्डिंग में कहूंगा राज पाटिल मैन फ्रॉम कोन, उन्होंने क्या लाजवाब फील्डिंग की थी, जैसी गेंद मिली हाथ में थ्रो फेंका था और दानिश का विकेट काफी बड़ा झटका बैठा था उस टाइम बी इंडियन को, लेकिन अभी भी बैलेंस में दोनों टीम। तीन गेंदों में सिर्फ तीन रन दिए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे पारदी। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए बाबा के लिए नीची गेंद, अपील LBW की, अंपायर सहमत नहीं, बहुत अच्छा गति परिवर्तन किया था, एक रन स्कोर में और बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचा स्कोर, 8 गेंदों में 10 रन। पहले ओवर के बाद ऐसा लगा था कि मुकाबला 2.5 ओवर में चला जाएगा। अब तो मैं कहूंगा हीरो बनने जा रहे सुरेश पारदी, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही सिद्दीक भावे सर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ड्राइव किया बहुत तेज लॉन्ग ऑन पे, गयासुद्दीन शेख मौजूद हैं, एक रन, 7 गेंदों में 9 रन चाहिए, 7 गेंदे 9 रन, 5 गेंदों में 5 रन दिए पारदी ने, अच्छी गेंदबाजी। महिंद्रा के समर्थक अब जाग उठे हैं, बहुत बढ़िया गेंद, ओहो भूल गए थे बचपन में कंचे खेलना, एक ओवर और कितने रन, 8 रन। इस सीजन का जो सिटी क्रिकेट है वो अजीब ही क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब बाजी पलट जाए, कब कौन किसको पछाड़ दे। सर अभी भी मौका है बी इंडियन को, 8 रन चाहिए 6 गेंदों में, और क्या गेंदबाजी रहा है यहाँ पे सुरेश पारदी की, आप बन गए हीरो सिद्दीक भावे सर, जिस तरह की गेंदबाजी की है सुरेश पारदी ने। काफी बड़ा समर्थक यहाँ पे सर मौजूद है, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है वीआईपी डैश पे, काफी मान्यवर हमारे बैठ चुके हैं। बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया में सीगल ग्राउंड में नजर आते हैं, लेकिन भिवंडी में नजारा नजर नहीं आता है। इस टूर्नामेंट में काफी सर मेहनत हो चुकी है इस टूर्नामेंट के लिए, खासतौर पर आतिश पाटिल और उनकी पलटन, अनिल पाटिल, आकाश पाटिल और विवेक पाटिल, राकेश घाटाला और प्रभाकर गुलवी और जीतू गुलवी और राज पाटिल, इन्होंने तो काफी इस ट्रॉफी को। गेंदबाजी के लिए राज बावलिया को बुलाया गया है, देखना है कि इस मैच में राज महिंद्रा का या फिर राज इंडियन का। राज बावले को अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, और पहले 2 गेंदों में बाबा या तो साहिबा राज के पास भी मौका है, वो राजकुमार थे राजकुमार बन सकते हैं। राज
सामना करेंगे बैट्समैन बाबा। ये तो एमजे ट्रॉफी में तो गजब के फॉर्म में रहे थे। राज पहली गेंद छोड़ दिया वहां पे, ये देखिए चार्ज हो चुकी है महिंद्रा स्पोर्ट्स गैसुद्दीन के ओवर के बाद। सुरेश पारदी ने इस सीजन का सबसे अच्छा ओवर डाला अपनी तरफ से, जिसमें सिर्फ 5 रन दिए थे। राज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ड्राइव किया बाबा ने गेंद को आउटफील्ड में गैसुद्दीन शेख के पास, 1 रन। इंडियन को चाहिए अब 4 गेंदों पर 7 रन। दिल के मरीज अगर इस मैच को ना देखे तो अच्छा है। सर पिछले 8 गेंदों में 7 रन खर्च किए यहाँ पे, मतलब गैसुद्दीन ने 6 रन दिए, राज बावला ने अब तक 2 गेंदों में 1 रन दिया। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा महेंद्र। सेमीफाइनल चलता हुआ इंडियन बनाम महेंद्र, आखिर की 4 गेंदे 7 रन राज बावला। इस मरतबा टाइम नहीं कर पाए साहबान फक्की, सिर्फ 1 रन। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, कदमों को वापस क्रीज में खींचा, 3 गेंदों में 6 रन। एकाएक मैच में गर्मी आती भी, और ये जो स्थिति है ना संदेश पाटिल, अगर किसी का हाथ गाल पे तो वो भूल जाता है कि उसने गाल पे हाथ रखा है, कुर्सियां पीछे रहती है, लोग खड़े रहते हैं। जो बच्चे अंदर है पीछे जाना है प्लीज, वो छोटे बच्चे जो अंदर है आपके पीछे पुलिस आ रही है। ड्राइव किया इस मरतबा बल्ले की जड़ से, 1 रन। 2 गेंदों में कितने रन चाहिए, 5 रन। काफी बड़ा क्रिकेट अब मैं कहूंगा भुवंडी का सिद्दीक बावे सर, बड़ी टीम दिग्गज टीम ब्लू इंडियन के सामने पहले ओवर में जहां मतीन ने 30 रन बनाए थे, लगा नहीं था कि मैच इस तरह बनेगा। देखिए दोनों तरफ के जो समर्थक है, आपको अंदर जाना है, हमारे वॉलंटियर्स। 2 गेंदों में ब्लू इंडियन को 5 रन चाहिए। राज बावला 4 गेंदों में अब तक 3 रन दे चुके हैं, पप्पा खारिक चार्ज हो चुके हैं, 2 गेंदे और 5 रन। मिसक्यू शॉट है, गेंद हवा में, साइबर आउट। ये तो बड़ा मुकाबला मैं कहूंगा, अब गोल्डन बाउंड्री की आवश्यकता है, गोल्डन 6, 5 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। हमारे ऑफिशियल स्कोर बता रहे 6 मारना ही पड़ेगा सिद्दीक बाबे सर। हाँ यहाँ पे गोल्डन बाउंड्री से काम नहीं चलेगा, हालांकि बी इंडियन के सामने पिछले साल बालाजी ट्रॉफी में गोल्डन बाउंड्री मारकर हरीश ने बालाजी कप जीताया था। गोल्डन 6 लगाना होगा, और 8 मरतबा इस सीजन में गोल्डन 6 लग चुका है। अब मैं तो कहूंगा सुरेश पारदी भी हीरो बन चुके हैं, और राज बावला ने जिस तरह गेंदबाजी की है 100% अपने टीम के लिए दिया, पूरा पानी फेरते हुए मतिंग के बल्लेबाजी के ऊपर भी। ये देखिए सब खड़े रह गए, ये समय ही ऐसा है कि आप भूल जाते हैं कि आपके पीछे कुर्सी है। कुछ लोगों को देखिए नाखून तो उनके है नहीं, चबा रहे। काफी बड़ा मुकाबला चलता है, काफी समर्थक इस गेंद के लिए। ये देखिए सभी के चेहरे पे एक सवाल, क्या कोई मैजिकल बॉल या गोल्डन 6? 9 मरतबा तालुका क्रिकेट में गोल्डन 6 लगा है, गैसुद्दीन कुछ कह रहे हैं बाबा ने अब तक सर। ऐसी स्थिति में बाउंड्री लाइन के जो खिलाड़ी है
वो सोचते होंगे कि गेंद उन तक ना आए हवा में। बाबा ने अब तक 5 गेंदे खेल चुके, 3 रन बनाए, लेकिन पप्पा कारी कैसुद्दीन, सुरेश पारदी, हरेश, ये ऐसे खिलाड़ी है जो चाहेंगे कि गेंद उनके पास आए। क्या इस गेंद पे कुछ भविष्यवाणी हो सकती है सिद्दीक बाबे सर? नहीं, यू बिलीव इन फॉर्चून, ये मुकाबला आप लक फैक्टर पे। बावलिया और महेंद्र फाइनल में पहुंचती हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, काफी बड़ा मुकाबला हुआ, जीत महेंद्र स्पोर्ट की हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन संजय भाई महात्रे, कांग्रेचुलेशन हरेश, कांग्रेचुलेशन जेसू हरेश पाटिल, बेहतरीन मुकाबला फिनिश किया वहां पे। और दर्शकों को मैं गुजारिश करता हूं, आपको प्लीज ग्राउंड छोड़ना है, फाइनल मुकाबला होने जा रहे हैं, ग्राउंड से सभी दर्शकों को हटना है, प्लीज प्लीज हमें रिक्वेस्ट है आपको। प्लीज आपको हटना है, प्लीज ग्राउंड छोड़ना है प्लीज। और राज बाबू आपको आगे आने, मैन ऑफ द मैच राज, जिन्होंने खूबसूरत गेंदबाजी की अपने टीम के लिए। राज बाबू आपको आगे आने, मैन ऑफ द मैच के हकदार है, आप अपने टीम को जीत दिलाई आपने। मैन ऑफ द मैच राज, सबसे बड़ा मुकाबला बीएनडीएम का नाम, महेंद्र स्पोर्ट महेंद्र ने इस मैच को जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच और टीम के कैप्टन में आपको आवाज देता हूं कुमार, और मैं तो आवाज देने जा रहा हूं महेंद्र स्पोर्ट के पप्पा कारिक। राज आपको आगे जाने मैन ऑफ द मैच के लिए, काफी बड़े मैच के हीरो बन चुके हैं राज। मैं गुजारिश करता हूं संतोष भगत को अपने शुभातों से, राज बाबले को आप मैन ऑफ द मैच का ऑवर दिया, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी की है, हमने तो स्कोरबोर्ड भी नहीं देखा था, लेकिन मैन ऑफ द मैच राज का 64 ताले हो जाए महेंद्र स्पोर्ट। हडलक मुनाफ विहान मी कैप्टन कुमार, और सबको बाहर जाना है प्लीज, ग्राउंड छोड़ना है आपको प्लीज, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसके बाद भी बड़ा मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है, मेरे साथ दोनों टीम के कैप्टन आ रहे हैं। व्यान मित कुमार टिमगर के कैप्टन, और महेंद्र स्पोर्ट के पप्पा खारिक आपको भी आना है। बड़ा मुकाबला देखा दर्शकों ने, महेंद्र स्पोर्ट ने जीता, फाइनल में प्रवेश किया। अब फाइनल मैच थोड़ी देर में शुरू होने जा रहे हैं, पप्पा खारिक आपको आगे आना है।